हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मेरी क्या हालत हो रखी है। आज मैं कर रही हूँ ड्राइंग रूम की सफाई, तो देखिए सारा कवर वगैरह मैंने सब हटा दिया है। आज देखिए झाड़ू है मेरा प्यारा दोस्त बोली, और ले लिया है डस्टिंग का कपड़ा। आइए चलिए करते हैं ड्राइंग रूम साफ। तो दोस्तों जब भी मैं करती हूँ सफाई, तो मैं ये सब ना सोफे वगैरह सब हटा के इनके पीछे अच्छे से झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद इनको वापस करती हूँ। और आज तो मैं इनके सोफा कवर भी चेंज कर दूंगी, मुझे दूसरा लगाना है। फिर देखते हैं कैसा लगेगा मेरे ड्राइंग रूम आज साफ होके। मैंने यहाँ का जो कॉर्नर का सामान था वो सारा धो के रख दिया धूप में, तो वो सूख जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे कॉर्नर सेट कर दूंगी। मैं ना सोफे पे चढ़ के अपने बच्चे साफ करूंगी। मैंने ना पुरानी चादर एक डाल दी है, क्योंकि मेरे सोफे ना बहुत लाइट कलर के, इन पे हल्का सा कुछ लग जाता है तो दिखाई देता है। बारी आती है इसको साफ करने की। अब इसको ना बड़े केयर से साफ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना ये ग्लास लगा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से मैं इसको साफ करती हूँ। अब डालते हैं ये वाले चुका है तैयार पूरा कलरफुल। ये देखिए मैंने सोफे का ना पूरा कवर ये चेंज कर दिया है कलर, ना होली के अकॉर्डिंग मेरा जो ड्राइंग रूम था वो तैयार हो चुका है। नीचे ना मैंने मतलब कालीन हटा दिया था, गर्मियों में तो खैर रखते ही नहीं है कालीन, तो यहाँ मेरे पास ना एक इस तरह की राजस्थानी टाइप चादर थी, तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही लगा दिया है। और उसके बाद ना मैं क्या करूंगी, इसके नीचे एक चादर जोड़ूंगी जो कि पुरानी हो रखी होगी, और मेरा ना एक कारपेट बन जाएगा गर्मियों के लिए। इसलिए ना जो हमारी पुरानी चीजें होती हैं हमें ना उसका रीयूज करते रहना चाहिए, हमें नए नए तरीके से कि हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस उसको उठा के रख दें, देखेंगे फिर कभी। तो मेरा तो ना आज बहुत अच्छा मुझे अपना ड्राइंग रूम लग रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करेंगे कुछ चेंज अगले फेस्टिवल्स पे। इतने तो अभी तक तो ये ऐसे ही रहेगा होली पे। तो होली पे ना मैं एक चीज जरूर बनाती हूँ, वो है ठंडाई, क्योंकि ठंडाई के बगैर ना होली मतलब होली सी नहीं लगती है, मतलब मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए गुंजिया बनाते हैं हम लोग, कोई मटरी बनाते हैं, चटपटा खूब बनाते हैं, उसके साथ में अगर ठंडाई हो तो मजा ही आ जाता है। चलिए फिर देखते हैं मैं कैसे ठंडाई बनाती हूँ। मैंने ना यहाँ पे बादाम भिगो लिए हैं, सौंफ और काली मिर्च एक साथ भिगोई है, कुछ किशमिश है, कुछ खरबूजे के बीज हैं, और इनको बोलते हैं, मेरे माइंड से निकल गया,
कद्दू के बीज। तो आप पे ना जो भी कोई बीज हो, सीड्स जो भी आप बोलते हैं, जो भी मतलब आपके पास हो, आप उनको जैसे बादाम और सौंफ ये तो डलते ही डलते हैं ठंडाई में, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आपको पिस्ता पसंद है, काजू पसंद है, तो आप उसमें वो ही डाल लीजिए। आइए डाल, बादाम को ना हम छील के भी डाल सकते हैं और बिना छीले भी, क्योंकि इनको छानना तो पड़ेगा ही। तो मैं ना कुछ बादाम छील लूँगी और बाकी कुछ ऐसे भी डाल। अब इसमें ये सारे खरबूजे के बीज भी डाल लेंगे हम लोग। मैंने ना सारी चीजें डाल ली है मिक्सी के जार में, और जो सौंफ होती है ना जिस पानी में हम सौंफ को भिगाते हैं वो पानी आप इसमें जरूर डालिए, क्योंकि उसका ना एक अलग ही फ्लेवर आता है। बाकी आप पानी निकाल के पीस सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लिया था और उसके बाद पीसा, तो देखिए ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब हम ना इसे इस छलनी की सहायता से छान लेंगे। ये इसका ये बचा है ना छानने के बाद, अब हम फिर से इसको इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम एक या दो चम्मच, जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, और कुछ तो इसमें किशमिश की भी मिठास आ जाती है, कुछ मैं तो चीनी डालूंगी। अगर किसी को मतलब शहद चाहिए तो शहद डाल सकता है या शक्कर डाल, जो भी जिसको अच्छा लगे वो ही डाल। इस ये बन चुका है, अब इसको हम आधा आधा दोनों ग्लासेस में करेंगे। ये जो हमारा सिरप बना था ये हमने लिक्विड को दो जगह कर लिया है। अब इसमें ना केसर भी डलता है और एक डलता है इसमें इलायची पाउडर, मेरे पास दोनों ही नहीं था तो इसलिए। लेकिन मैं ना क्या करती हूँ, मैं हल्की सी हल्दी भी डाल लेती हूँ, वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वैसे ठंडाई में नहीं डाली जाती लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसलिए एक चुटकी आप अगर इसमें हल्दी डाल देंगे ना तो इसका कलर आएगा बहुत अच्छा। अब मिला देंगे हम इसमें दूध, ये देखिए ये हो गया, मिल गया इसमें दूध। इसको करेंगे हम मिक्स, ये देखिए मिक्स। ऊपर से डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए अब देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है ना बनके। ये हो गई है ठंडाई रेडी। अब आप कहेंगे मोनिका इसको क्यों नहीं कर रही है, अब मैं इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इसके लिए कि बच्चे जो है ना बहुत नखरे दिखाते हैं खाने में, खाना हो या पीना हो तो उनको ना कुछ अलग चाहिए। तो अब क्या करेंगे जिससे कि बच्चे भी पीने। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मेरे पास है चॉकलेट, तो मैं इसमें चॉकलेट बच्चों को पिलाने का है सबसे इजी तरीका, क्योंकि उनको चॉकलेट की चीजें होती है पसंद। अब मैं जो है ये चॉकलेट डाल दूंगी इसमें और थोड़ा सा ये डाल दूंगी वापस मिक्सी के जार में। अब हम इसको पीसेंगे। अब ये हो गई ये चॉकलेट वाली ठंडाई, और बच्चे भी खुश होके पियेंगे और मम्मी भी। अब पता है मेरे से हो गई एक गलती, और इसमें दूध भी तो मिलाना था अभी। ए हाँ, मैं कहती हूँ ना मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने ना चॉकलेट को मेल्ट नहीं किए और ऐसे ही डाल दी, तो पूरी अच्छे से ना पिस नहीं पाई इसमें। आप लोग ना उसको गैस पे या ओवन में थोड़ी 30 सेकंड या उससे भी कम, में 30 सेकंड से भी कम आप उसको मेल्ट करें और उसके बाद मिलाएं आप इस तरीके से। अब देखिए ये हो गई है चॉकलेट वाली ठंडाई रेडी। ये देखिए ऐसे ना पीस आ रहे हैं। थोड़े से डाल देंगे हम लोग इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स, और ये हो गई देखिए दोनों मेरी ठंडाई रेडी। ये देखिए अब होली के लिए जो है सब हो गई तैयारी ठंडाई की भी। आप बताना कि आपको ठंडाई कैसी लगी और मेरा ड्राइंग रूम कैसा लगा है। आज किया है बहुत सारा काम लेकिन इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया अपने काम को, और त्योहार के लिए अपना घर मैंने सजा लिया, अपना ड्राइंग रूम खूब इंजॉय किया जितना हो सकता है काम करते हुए भी। अब आपके साथ बातें भी होती रही, ठंडाई भी रेडी हो गई, और त्योहार के लिए मेरा ड्राइंग रूम जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज क्या सबसे अच्छा लगा मेरे मतलब ड्राइंग रूम में, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगा मेरे वीडियो में प्लीज 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 मुझसे शेयर कीजिए, या मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हो गए खाली, बच्चों ने हस्बैंड ने पी ली है, लेकिन ना मुझे जो कमी मैं अपनी रेसिपी में ही बता रही हूँ, क्योंकि देखिए सीखने से ही होता है और शेयर करने से कि हाँ हमने क्या अच्छा लगा या क्या खराब लगा। मैंने ना जो चॉकलेट इसमें बिना मेल्ट किए डाली थी
उसका टेस्ट थोड़ा अलग आया। एक बार मैंने ना हर्सीज डाल के बनाया था इसमें, या आप उसकी जगह बॉर्नविटा भी यूज कर सकते हैं चॉकलेट के लिए, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप दोनों तरीके से बना के देखिएगा, तो मैं भी नेक्स्ट टाइम एक बार ये दोबारा से बनाऊंगी, तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।